नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। अगर आप क्लास ट्वेल्थ में पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पास सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से पढ़ना है, उसकी क्या प्लानिंग रखनी है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, किसी भी युद्ध में जाने से पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, जैसे ठीक है, या कहीं आप घूमने जा रहे हो तो उसकी प्लानिंग करते हो। तो अगर आप अच्छी तरीके से प्लानिंग करेंगे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, ठीक है, तो आप 90+ मार्क्स इस सब्जेक्ट में इजीली ला सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपका ज्यादा फोकस दूसरे सब्जेक्ट पे, साइंस वाले बच्चों का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे रहता है, तो कम टाइम देकर भी कंप्यूटर साइंस में आप 90+ मार्क्स कैसे ला सकते हैं। टू द पॉइंट, क्या चीजें आपको पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी कि आप बिल्कुल पेपर के लिए एक्यूरेट चीजें आप वो पढ़े, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले चीज है, आपको अपने सिलेबस को समझना है। जो क्लास 11th है उससे बहुत आसान है क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस। आप सिलेबस को समझ ले, सिलेबस अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप उसी के अकॉर्डिंग कैसे कैसे पढ़ना है हम ध्यान से समझाएंगे आपको। तो देखो, अगर हम बात करते हैं क्लास 12th कंप्यूटर साइंस, क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस, आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहेंगे यूट्यूब पे, आपको कहीं कोचिंग लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कुछ वीडियोस देखनी है आपको बस, और उस वीडियो से आप 90+ मार्क्स 100% ले आओगे। ठीक है, तो किस तरीके से करना, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस में। यहाँ पर आपको बहुत सारे बच्चों को जब हम वाइवा लेने जाते हैं तो यही नहीं पता चलता सिलेबस ही क्या है, तो भाई सबसे पहले अपने माइंड में अपना सिलेबस फिट कर लो अपना। सबसे पहला जो है यहाँ पर जो है सिलेबस में, पहली यूनिट है पाइथन की, कंप्यूटेशनल थिंकिंग वगैरह बोला जाता है उसको, कंप्यूटेशनल थिंकिंग विद पाइथन, लेकिन हम बोल देते हैं कि पाइथन की यूनिट है पहली यूनिट। और दूसरी यूनिट है डीबीएमएस की, DBMS, तीसरी यूनिट है आपकी नेटवर्किंग की। ये तीन यूनिट ही है बस आपकी, ठीक है, नेटवर्किंग, ये तीन यूनिट आपको पढ़नी है बस क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस में। कितनी यूनिट है माइंड में सेट कर लो, तीन यूनिट है, पहली पाइथन, दूसरी DBMS, तीसरी नेटवर्किंग। जो ये पाइथन यूनिट है इसमें से आपका 40 मार्क्स का आएगा, ये जो DBMS है इसमें 20 मार्क्स का पेपर आएगा, और नेटवर्किंग में से आपका 10 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, ये नेटवर्किंग थ्योरेटिकल है, बेसिकली कॉन्सेप्चुअल बेस आएंगे, डीबीएमएस में आपकी क्वेरी आती है, पाइथन आपने 11th में पढ़ी उसका आगे का होगा। तो टोटल आपका पेपर 70 मार्क्स का पेपर होने वाला, जो थ्योरी का पेपर होगा कंप्यूटर साइंस का सीबीएसई का, वो कितने मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स का होगा। इसके साथ साथ आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल आपका जो होगा वो बेसिकली 30 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। इसमें एक्सटर्नल टीचर आएंगे, दूसरे स्कूल के टीचर आपके स्कूल में आएंगे प्रैक्टिकल लेने के लिए। इसमें प्रैक्टिकल में आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी बेटा, प्रैक्टिकल फाइल के साथ आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी होगी, प्रोजेक्ट फाइल और प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है, ये बनानी होगी। उसके बाद आपको रिटन टेस्ट होगा वहां पर, रिटन टेस्ट में जो है आपका एक पाइथन का प्रैक्टिकल आएगा, पाइथन का प्रैक्टिकल, और एक आपका जो है डीबीएमएस का प्रैक्टिकल, ठीक है, डीबीएमएस का प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल आपको सिस्टम पे करने हैं और रिटेन में भी करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपका वाइवा होगा, ठीक है, ये जो है बेसिकली ये पांच चीजें इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल फाइल आपकी 7 मार्क्स की होगी, प्रोजेक्ट फाइल आपकी 8 मार्क्स की होगी, पाइथन का जो प्रोग्राम आएगा वो भी 8 मार्क्स का आएगा, डीबीएमएस का जो प्रोग्राम क्वेरी लिखने को आएंगी वो 4 मार्क्स की होंगी, और 3 नंबर का आपका वाइवा होगा। टोटल 30 मार्क्स का आपका जो प्रैक्टिकल होगा, ये प्रैक्टिकल में वैसे 30 मार्क्स जो डिपेंड करेंगे टोटली, ये डिपेंड करते हैं आपके बिहेवियर पे, आपने पूरे साल अपने स्कूल में कैसा बिहेवियर करा, कैसा डिसिप्लिन रखा, कितनी आपकी अटेंडेंस है, आपके टीचर के साथ किस तरह का डिसिप्लिन बिहेवियर है, तो मेन तो वही है सारी चीज इसमें, ठीक है। आप स्कूल में रेगुलर आ रहे, अटेंडेंस रेगुलर दे रहे, तो आपके जो है 30 नंबर आ ही जाते हैं वहां पे, क्योंकि आप पढ़ ही लेते हैं, ये कर ही लेते हैं सब, ठीक है।
अब उसके बाद जो है, अब हम यहाँ पे थ्योरी वाले पार्ट पे बात करते हैं। जैसे आपको पता चला कि यहाँ पर तीन यूनिट है, पाइथन, डीबीएमएस और नेटवर्किंग। तो जो ये पाइथन वाली यूनिट होगी बेटा, इस पाइथन वाली यूनिट में फर्दर पांच चैप्टर है आपके, पांच चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम है आपका रिविजन टूर। क्या नाम है? रिविजन टूर। ये रिविजन टूर क्लास इलेवंथ का है। क्लास इलेवंथ में जो भी आपने पढ़ा है उसमें से आएगा, मतलब पूरा रिवीजन आपको करना है। ये रिवीजन टूर आपका जो एग्जाम है उसमें 12 नंबर का आएगा। क्लास ट्वेल्थ में कितने नंबर का आएगा? 40 में से 12 नंबर का ये रिवीजन टूर होने वाला है आपका। दूसरा जो चैप्टर है वो दूसरा चैप्टर है आपका फंक्शन का। एक्चुअल में क्लास ट्वेल्थ का यहीं से स्टार्ट है, ये फंक्शन से। ये इलेवंथ का रिवीजन टूर है, फिर आपका दूसरा चैप्टर फंक्शन का होगा, तीसरा चैप्टर आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग का चैप्टर होगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग आपका जो वाइवा होता है प्रैक्टिकल में, उसमें वाइवा में सबसे पहले टीचर यही सिलेबस ही पूछ लेते हैं आपसे। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता तो वाइवा आगे क्या लेना भाई। सबसे पहले सिलेबस ही आपको माइंड में सेट होना चाहिए। फोर्थ चैप्टर आपका होता है डेटा फाइल हैंडलिंग का, DFH, यानी डेटा फाइल हैंडलिंग। ठीक है, पाइथन में सबसे ज्यादा मार्क्स का डेटा फाइल हैंडलिंग ही आना है, 14 मार्क्स का। इसके बाद पांचवा चैप्टर है आपका डेटा स्ट्रक्चर का। डेटा स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे स्टैक के बारे में, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। तो आपको पता चल गया टोटल यूनिट कितनी है, तीन यूनिट है आपके पास, पाइथन, डीबीएमएस और नेटवर्किंग। पहली यूनिट है जो पाइथन, उसमें पांच चैप्टर है, रिविजन टूर, फंक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, डेटा फाइल हैंडलिंग और डेटा स्ट्रक्चर यानी स्टैक। उसमें से ये पांच है, इनमें तो बेसिकली एक एक ही चीज समझो आप, एक एक चैप्टर के बेसिस पे आप समझ सकते हो डीबीएमएस और नेटवर्किंग को। अब हम इनमें से 40 नंबर में से आपको कैसे पढ़ना, जिसके ये वाला पार्ट अच्छा है उसके 90 प्लस मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पे 20 और 10 मार्क्स तो आपको बहुत इजीली आ जाएंगे। ये आपको मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई करनी है इस पे। तो यहाँ पर हम समझेंगे रिवीजन टूर जो है, ये पहला सेक्शन है एमसीक्यू का, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा सेक्शन दो दो नंबर के क्वेश्चन, तीसरा सेक्शन तीन तीन नंबर के क्वेश्चन, चौथे सेक्शन में चार नंबर के क्वेश्चन और पांचवे में जो है पांच नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो रिवीजन टूर में पांच आपके एमसीक्यू पार्ट में से आएंगे, पहले सेक्शन में से चार नंबर के, यानी दो क्वेश्चन जो है आपके सेकंड वाले सेक्शन में, बी सेक्शन में रहेंगे, एक क्वेश्चन सी सेक्शन का आएगा तीन नंबर का। टोटल 12 नंबर का रिवीजन टूर आपका आने वाला है। फंक्शन वाला जो चैप्टर है, तीन इसमें से क्वेश्चन आते हैं, दो आ जाए या तीन आ जाए, ठीक है, वो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आएंगे एक ए सेक्शन के, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपस में एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई इसी में एडजस्ट हो गया, कोई इसमें हो गया, ठीक है। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट यही, नॉर्मल यही पैटर्न रहता है वैसे, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका तीन क्वेश्चन जो है फंक्शन के सेक्शन बी में आएंगे आपके, दो दो नंबर के तीन क्वेश्चन। तो टोटल 9 मार्क्स का आपका फंक्शन वाला चैप्टर है। एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला चैप्टर जो है वो दो नंबर का आपका आएगा एमसीक्यू टाइप का, लेकिन ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के बेस पे ही आपकी फाइल हैंडलिंग चलेगी, ठीक है, उसमें भी इसका यूज हो जाता है हमारे पास। तो आपको ये पढ़नी फाइल हैंडलिंग, आपका 14 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। इसमें आपका दो नंबर के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे, एक तीन नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, एक चार नंबर वाला क्वेश्चन और एक पांच नंबर वाला क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। स्टैक वाला जो चैप्टर है उसमें से आपका तीन नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, कभी कभी एमसीक्यू भी आ जाता है, इनमें से कोई हटा के इधर कर दिया एमसीक्यू। तो टोटल आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं पाइथन के, जिसमें से 12 एमसीक्यू के होंगे, 10 यानी पांच क्वेश्चन 10 नंबर के सेक्शन बी में, तीन क्वेश्चन तीन नंबर के, तीन तीन नंबर वाले, मतलब 9 नंबर के टोटल सी सेक्शन में, एक डी सेक्शन का और एक ई सेक्शन का आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें डीबीएमएस की, डीबीएमएस के तीन एमसीक्यू, नेटवर्किंग के भी तीन एमसीक्यू, एक एक क्वेश्चन जो है बी सेक्शन में आएगा, तीन क्वेश्चन डीबीएम
ईएमएस के सी सेक्शन में आएंगे, एक डी में भी आएगा और एक ई में भी आएगा। नेटवर्किंग के बस एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं तीन, दो क्वेश्चन आते हैं आपके बी सेक्शन में, दो एक क्वेश्चन दो नंबर का बी सेक्शन में और एक पांच नंबर वाला क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन फिक्स होता है, वही क्वेश्चन आता है हर साल पांच नंबर का। तो दस हो गए, बस डिजिट विजिट चेंज हो जाती है। तो पाइथन के आपको बताए हैं 40 नंबर के, नेटवर्किंग 10 नंबर की और 20 नंबर का ये डीबीएमएस। टोटल आपका 70 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से ये पेपर पैटर्न है आपका, जो क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का पेपर है। इसमें आपको कैसे पढ़ना है, देखो आपको पढ़ने में कोई वो नहीं है, हमने जो है बेसिकली हम आपको यहाँ पे क्लास कराएंगे, आप पूरे प्लेलिस्ट को अच्छे से देख सकते हो। अगर आपको रिवीजन टूर देखना है, रिवीजन टूर के बारे में पढ़ना है, तो हमारी यूट्यूब पर ही आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे क्लास 11th कंप्लीट पाइथन ट्यूटोरियल के नाम से है, उसमें पूरा रिवीजन टूर आपको मिल जाएगा। फंक्शन वाले चैप्टर की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे आपको देंगे इस तरीके से, बिल्कुल टू द पॉइंट। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, कम मेहनत में स्मार्ट स्टडी करके आप एग्जैक्ट जो एग्जाम में आ रहा उसी तरीके से आप पढ़ाई करें, ठीक है। आपको 3-4 घंटे की वीडियो देंगे, उसमें आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा फंक्शन। फंक्शन जो 9 नंबर का आ रहा, वो 9 के 9 नंबर आप 4-5 घंटे की स्टडी में कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही एक्सेप्शन हैंडलिंग की 2 घंटे की क्लास आपको मिल जाएगी, उसमें कवर हो जाएगा। डेटा फाइल हैंडलिंग ये आपको 14 मार्क्स का, ये आपको अच्छे से स्टडी करना है डेटा फाइल हैंडलिंग के बारे में। तो इसमें हम आपको 10 से 12 घंटे की क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर में जो स्टैक है उसके बारे में आप 2-3 घंटे की क्लास करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। फिर प्रैक्टिस वगैरह आप इनकी करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की उनकी प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो चलेंगे उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कर लोगे अगर आप, जो हम यहाँ पे क्लास में कराएंगे, तो आप 90+ मार्क्स लेके जरूर आओगे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। तो हम फंक्शन जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, आपको प्लेलिस्ट में नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।